Hi friends, welcome to the desk Deva English Spoken Classes. Friends, how are you? Well, I am also very well. Friends, हमारे क्लास में बेसिक जो हमारा था बेसिक का स्टेप वो ख़त्म हो चुका है और आज से हम शुरू करेंगे एडवांस कोर्स. ठीक है फ्रेंड्स, तो हम एडवांस कोर्स में सबसे पहले टेंसेस के बारे में जानते हैं. ठीक है, तो आप जानते ही होंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं. टेंस मीन्स काल या समय. तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं. देर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. तो प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, पास्ट मीन्स भूतकाल और फ्यूचर मतलब भविष्यकाल. ठीक है फ्रेंड, और इन तीनों के चार चार भाग होते हैं. चार चार भाग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसी तरह से पास्ट में भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसी तरह से फ्यूचर में भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 12 होते हैं टेंस. हमें 12 टेंस के बारे में जानने होंगे, सीखने होंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करते हैं सबसे पहला टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, अब तक आपने किताबों में, स्कूलों में टेंसेस बहुत बार पढ़े होंगे. कुछ लोग समझ भी चुके होंगे और कुछ लोग नहीं भी समझे होंगे. तो मैं आपको टेंस के हिंदी से इंग्लिश बनाने के ट्रांसलेशन जो है इस तरह से बताऊंगा, आज वो तरीका बताऊंगा कि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि इस टेंस को या इस टेंस को पहचानना कैसे है या इस टेंस के सेंटेंसेस को बनाना कैसे है. ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए. तो हमने लिख के पहले से रखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इसको हम पहचानेंगे कैसे? व्हाट इज द रूल्स टू रिकॉग्नाइज द सेंटेंसेस फ्रॉम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? ठीक है, पहचान का सबसे पहला नियम है, जब सेंटेंस के अंत में वर्ब यानी क्रिया के अंत में, जब सेंटेंस के अंत में कोई क्रिया हो यानी वर्ब हो, जैसे खाना पीना, सोना, उठना बैठना, खेलना कूदना, और उसके अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, रहे, तो समझ लीजिए कि वो प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट का वो इंडेफिनिट टेंस है. ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो मेकिंग फॉर्म है, जैसे सेंटेंस देखो, वे लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो ते हैं वर्ब है, ये खेलना वर्ब है और इसके अंत में ते हैं आ रहा है ना, तो ते हैं, ता हूँ, इसी तरह से आएगा, ते हूँ, ता हूँ, ते है, ती है, यही आएगा. ठीक है फ्रेंड, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, इसका बहुत ही सिंपल नियम है बनाने का. सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, जैसे वे लोग सब्जेक्ट हो गया दे, और इसमें वर्ब क्या हो गया प्ले, तो हम वर्ब का इसमें पहला फॉर्म ही लगाएंगे, पहला फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद फुटबॉल. ठीक है फ्रेंड, मैं गीत गाता हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट हो गया मैं, जो फर्स्ट में होगा वो सब्जेक्ट होता है, तो आई, इसमें गाना हो गया वर्ब, तो सिंग सॉन्ग, वेरी सिंपल. ठीक है फ्रेंड, इसी तरह से बनाना, इस तरह के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कोई भी सेंटेंसेस हो, आप ये देखना कि लास्ट में ता है, ती है, ते है आ रहा है कि नहीं, वर्ब होना चाहिए वर्ब. जैसे कि अब ता है, ती है दूसरे सेंटेंसेस में भी आ सकते हैं, जैसे कि दूध उजला होता है, तो आप बोलेंगे उसमें ता है, तो उसमें वर्ब नहीं आ रहा है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब इसमें इस्तेमाल करते हैं. मतलब वर्ब का मतलब जो मेन वर्ब होता है, खेलना कूदना, उठना बैठना, सोना, इस तरह से बात करना, पसंद करना, इस तरह के जितने भी शब्द होते हैं सब वर्ब होते हैं उसमें. तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं, जैसे दूध सफ़ेद होता है, सोना पीला होता है, वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस तरह की टेंस में नहीं आएंगे, वो सिंपल में आएंगे जो इजारम से बनते हैं. ठीक है फ्रेंड, तो अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा
जो दूसरा फॉर्मूला है इसका, दूसरे तरह के सेंटेंसेस के लिए, इसमें वी फाइव भी लगता है जिसमें, उसके लिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लिख लेना। तो जैसे कि जब, नोट मैं लिख देता हूँ कि जब सेंटेंस का सब्जेक्ट सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सॉरी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो उसके वर्ब में वर्ब के साथ एस या एस लगाते हैं। जैसे राम गाता है, सीमा खेलती है। ठीक है फ्रेंड, ये थोड़ा आप समझना है इसको, इसको समझना है पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और एस एस कहाँ लगाना है उसमें, और कन्फ्यूज़न रहता ही है उनको, इसलिए इसको आपको ज़रा समझना पड़ेगा। तो मैं इसमें क्या कह रहा हूँ कि फर्स्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर सब्जेक्ट हो तो उसके वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है, तो आप सिंपल फार्मूला मैं बता रहा हूँ कि आई और यू को छोड़ के, आई और यू को छोड़ के सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट अगर अकेला हो, एक वचन हो, तो उसके वर्ब में एस या एस लगेगा। ठीक है फ्रेंड, आई और यू को छोड़ के, जैसे राम है, राम गाता है, तो राम हम एक के बारे में बात कर रहे हैं, इसके लिए इसके क्रिया के साथ एस लगेगा, राम सिंग्स। सीमा खेलती है, तो सीमा प्लेस, सिंपल एस लगा देना है। अब आप पूछेंगे कि एस कहाँ लगाते हैं, एस आपको मैंने पहले एक नंबर्स का क्लासेस मैंने वीडियो डाला था कि उसमें सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, ठीक वही फॉर्मूला यहाँ भी लागू होता है। अगर क्रिया है, क्रिया के अंत में जो लेटर है उसका वावेल्स है, तो उसमें हम एस लगाते हैं वावेल्स के हिसाब से, ठीक सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो नियम है ना, उसी तरह से इसमें भी हम बनाते हैं, एस और एस लगाते हैं। तो जो वावेल्स आएगा इसमें, जैसे कि मैं एक आपको सेंटेंस लिखता हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। जैसे वह स्कूल जाता है, तो वह स्कूल जाता है, तो ही गो, तो वो क्या है, वावेल्स है, तो ई एस लगेगा इस पर, गोज टू स्कूल। ठीक है, राम पढ़ाता है, तो राम टीचेस, यहाँ पर आप बोलेंगे आप वॉयल नहीं है, तो वही ठीक सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम है कि टीच में एच का उच्चारण अ हो रहा है, इसके लिए हम इसमें ई एस लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को हम कैसे पहचानेंगे और उसको हम कैसे बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड, सिर्फ एक बात का आपको ध्यान रखना है कि एस ई एस कहाँ लगाते हैं और बिना एस ई एस वाले सब्जेक्ट कौन से होते हैं। सिंपल है, आई और यू को छोड़ के सभी सिंगुलर नंबर के साथ, यानी कि एक वचन वाले सब्जेक्ट के साथ, हम उसके वर्ब में एस या एस लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं हम और भी अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पिताजी मुझे पढ़ाते हैं, तो माई फादर टीचेस मी। मेरा भाई 8 बजे सोता है, माई ब्रदर स्लीप्स एट 8। वह मुझे सताता है, ही वेक्सेस मी या ही टीजेस मी। वे लोग सारा दिन खेलते हैं, दे प्ले होल डे। मैं सुबह दौड़ता हूँ, आई रन इन द मॉर्निंग। वह
बहुत अच्छा गाना गाती है. शी सिंग्स सॉन्ग वेरी वेल. कुछ लोग बिल्लियों से नफरत करते हैं. सम पीपल हेट कैट. मैं अंग्रेजी जानता हूँ. आई नो इंग्लिश. वह बुक पढ़ता है. ही रीड्स बुक. मैं फल तोड़ता हूँ. आई प्लक फ्रूट. वह मुझे अच्छा लगता है. इसमें अच्छा लगना लाइक है इसलिए यहाँ पे वर्ब है. तो वह मुझे अच्छा लगता है. आई लाइक हिम. मैं उसे अच्छा लगता हूँ यानी कि वह मुझे पसंद करता है. ही लाइक्स मी. ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि एस और यस कहाँ लगाते हैं और एस यस कहाँ नहीं लगाते हैं और इन सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं. तो आज तक के लिए इतना ही. तब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स. थैंक्स अ लॉट.